सलमान उलिया, सिद्धार्थ आलिया, वरुण नताशा, करण बिपाशा, आदित्य श्रद्धा। इन लव बर्ड्स को एक दूसरे से है बेहद प्यार, पर नहीं करना है इकरार। देखिए दिल में है प्यार पर होठों पर है इनकार। दिल में हाँ होठों पर ना, सलमान उलिया। नाम उलिया वंतूर। प्रोफेशन टेलीविजन प्रेजेंटर। कंट्री रोमेनिया। अचानक रोमेनिया की टीवी प्रेजेंटर उलिया वंतूर का नाम हिंदुस्तानी मीडिया की खबरों में आने लगा। हर कोई रोमेनिया टेलीविजन प्रेजेंटर उलिया वंतूर के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया, और इसी बेताबी की वजह थी सलमान खान। हिंदुस्तान के सुपरस्टार सलमान खान का नाम जैसे ही रोमेनियन मॉडल उलिया के साथ जुड़ा, हर कोई उलिया और सलमान के रिश्ते से लेकर उनकी पहली मुलाकात तक के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया। सलमान और उलिया की पहली मुलाकात हमेशा एक पहेली बनी रही, लेकिन एक दिन इस पहेली को सुलझाने का दावा किया एक टैबलॉइड ने, जिसने सलमान और उलिया की पहली मुलाकात की कहानी को दुनिया के सामने रख दिया। टैबलॉइड में आई खबर के मुताबिक सलमान खान उलिया से पहली बार रोमेनिया में मिले थे। ये उस समय की बात है जब सलमान अपने भाई की फिल्म जय हो के एक गाने को शूट करने सोहेल खान के साथ रोमेनिया गए थे। रोमेनिया से वापस इंडिया लौटने के बाद भी सलमान और उलिया एक दूसरे के टच में रहे। सलमान की फैमिली भी धीरे धीरे उलिया के करीब आने लगी। कभी खान खानदान के साथ खाना खाते हुए उलिया की पिक्चर्स वायरल होती, तो कभी सलमान के फार्म हाउस से उलिया के पिक्चर्स मीडिया में आते, और कभी सलमान के रियलिटी शो पर सलमान के साथ उनके पर्सनल काउच पर उलिया का बैठना खबर बनता। लेकिन इन सब खबरों के बाद भी सलमान चुप रहे। जितना सलमान चुप रहे उतने ही सवाल और स्पेकुलेशंस बढ़ते रहे, और एक दिन ऐसा आया जब सलमान ने इन सवालों का जवाब दिया। लेकिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, और सलमान का जवाब बनी ये तस्वीरें। डेविड धवन के रेसिडेंस पर रखी गई एक पार्टी में जब सलमान खान पहली बार मीडिया के सामने उलिया वंतूर के साथ आए, तो लगा कि जैसे उन्हें अपने रिश्ते के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह गई है। सलमान के 50th बर्थडे पर तो जैसे उलिया ही सलमान की सबसे स्पेशल गेस्ट थी। सलमान ने अपनी मॉम के बाद जब उलिया को अपने हाथों से अपने बर्थडे का केक खिलाया, तो माना जाने लगा कि जल्द ही सलमान कर सकते हैं उलिया से शादी। सलमान अब उलिया के बारे में पब्लिकली बात करने लगे हैं। हाल ही में सलमान ने उलिया के रोमेनियन टीवी शो को अपने सोशल हैंडल पर प्रमोट करते हुए लिखा, कुछ समझ में आया? वेल सलमान, हमें तो सब कुछ समझ में आ गया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके दिल की बात होठों तक आ जाए। दिल में हाँ
होठों पर नाम, सिद्धार्थ आलिया। मीठी मीठी स्वीट लड़ाई हुई हमारी। आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिश्ते की क्या है सच्चाई? I have always said that I'm only 22. There's no need to be getting married right now. आलिया सिड के रिलेशन की आखिर क्या है मिस्ट्री? दोनों हैं इतने पास, फिर भी क्यों हैं इतने दूर? क्यों दोनों पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते अपने हिडन रिलेशनशिप को? अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त से ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट ही अपने सीक्रेट लव की वजह से रहे हैं न्यूज में। दोनों ने जहां कभी खुलकर अपने स्पेशल रिलेशन पर कुछ कहा नहीं, लेकिन कई दफा दे दिए ऐसे इंडिकेशंस जो ये बताने के लिए काफी थे कि इनके दिल में तो हाँ है, लेकिन होंठों पे ये दोनों ना ही दिखाते हैं। आलिया सिड कभी साथ में फिल्म की स्क्रीनिंग पर एक साथ स्पॉट किए जाते हैं, यहाँ तक कि सिड की मूवी देखकर आ जाते हैं आलिया की आंखों में आंसू। जब मैं रोया तो उनको भी रोना है। कभी पूरी दुनिया के सामने हाथों में हाथ डाले नजर आते हैं, कई इवेंट्स पर तो ये दोनों एक साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे। कभी आलिया के सिड के घर पर विजिट करने की खबर आती है, और कभी तो यूं होता है कि दुनिया के डर को दरकिनार करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं ये दोनों। कभी एक दूसरे की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आलिया सिड को स्पॉट किया जाता है, और बताया जाता है कि सिड की फैमिली से मिलने आलिया पहुंची हैं। इस फैमिली मीटिंग के बाद सिद्धार्थ और आलिया की शादी की रूमर्स हर जगह छा गई है। और आलिया और सिद्धार्थ ने अपनी लव स्टोरी को कन्फेस किए बिना ही सबको बता दिया है अपने रिश्ते की हकीकत। सिद्धार्थ मल्होत्रा का इस रूमर पर तुरंत क्लेरिफिकेशन आ जाता है। We have just started our careers. अभी तो हम जवान हैं, अभी शादी कहाँ? इसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों के रिलेशनशिप पर लग गई मोहर। आलिया के फादर महेश भट्ट ने दे दी आलिया सिड के रिलेशन को रजामंदी। She is a young, growing woman, and if she's involved with an actor who is beautiful and sophisticated and sensitive, it brings a smile on my face. लेकिन वही सिड इतने के बाद भी अपने इस सीक्रेट रिलेशन को कबूल करने को तैयार नहीं हुए। That's good that he's appreciating our pairing. I think maybe Kapoor and Sons बहुत excited है वो। जब प्रोमो देखेंगे उनको बहुत मजा आएगा। I think पिक्चरों के he's a director, he sees us as both artists and actors, you know. कि एक एक्टर दूसरा एक्टर क्या कितना अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने वही तारीफ करी। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको पता है। तो वहीं इन दोनों के रिलेशन का सच तब भी सबके सामने आया जब जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शाहिद कपूर ने खोल दी थी आलिया की पोल, और कर दिया था खुलासा कि वो सिद्धार्थ ही हैं जिससे आलिया हर वक्त रहती हैं फोन पर बिजी। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च इवेंट पर मीडिया कैमरा से छिपने छिपाने की कोशिश के बाद भी सिद्धार्थ और आलिया की लव स्टोरी सभी को नजर आई साफ साफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो वैसा ही कुछ हुआ हाल ही में कपूर एंड सन्स के लॉन्च पर, जहां दिखा आलिया सिड का खुल्लम खुल्ला प्यार।
दोनों हो गए एक दूसरे के प्यार में मस्त मगन। पूरी दुनिया के सामने दिखी आलिया सिद के प्यार और नोकझोंक की कहानी। It's like difficult. आप देखोगे हम लोग मेकिंग वीडियो डालेंगे then all of y'all can share it digitally. Goldspot नहीं ना, बहुत ही difficult game है. I was very good at it. Sid was very bad at Damsharas. Tell them about how bad you were at Damsharas. I was very bad at word building. अब आलिया सिर आप कितना भी छुपाना चाहें लेकिन आप दोनों के बीच की स्पेशल केमिस्ट्री ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ ही जाती है। दिल में हाँ, होठों पर ना। वरुण नताशा। बॉलीवुड की ये प्रेम कहानी जिसके बारे में सालों से जानता तो हर कोई है लेकिन इनका प्यार अब तक इनकी चुप्पी के नीचे दबा हुआ है। जी हाँ, वरुण और नताशा दोनों ने ही अब तक सालों से चल रहे अपने रिलेशनशिप को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखने की कोशिश की है। ना तो वरुण और ना ही नताशा अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का हैंगओवर पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। आपको इस लव स्टोरी के बारे में सालों पहले ही बता दिया था। हमने कई बार इन दोनों को सीक्रेट डिनर डेट पर भी कैप्चर किया था। यहाँ तक कि वरुण से एक इवेंट पर हमने उनकी इन सीक्रेट डेट्स पर सवाल भी पूछा था लेकिन वरुण विजुअल प्रूफ होने के बावजूद ऐसी किसी डेट से अनजान बनते नजर आए। वरुण नताशा के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि हर कोई जानता है कि इनके प्रेम की कहानी की शुरुआत कॉलेज के दिनों से हो गई थी। वैसे ऐसा नहीं कि वरुण धवन ने नताशा से अपनी क्लोजनेस का कभी जिक्र नहीं किया। In an interview, Varun said that Natasha is uncomfortable in disclosing their private life, hence he avoided talking about his love relation in public. स्टेटमेंट के आते ही सबको लगा जैसे फाइनली ये लव बर्ड्स अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। वरुण ने नताशा के साथ अपनी मालदीव्स हॉलिडे की एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। यही नहीं, हाल ही में अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी में जब मीडिया कैमरास के सामने वरुण और नताशा नजर आए तो इस पब्लिक अपीयरेंस को सबने इनके ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के तौर पर देखा। वरुण के दिल में नताशा के लिए हाँ तो है लेकिन अभी भी होंठों पर ना ही है। वरुण के वैलेंटाइन डे प्लान को भी सबसे पहले जूम ने डिस्क्लोज किया था। हमने आपको बताया था कैसे दुबई से अपनी फिल्म ढिशूम की शूटिंग से ब्रेक लेकर वरुण स्पेशली नताशा के साथ वैलेंटाइन डे मनाने इंडिया आए थे। सर, ऐसी खबरें भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में सेटल होने के बाद अब वरुण पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो रहे हैं नताशा के साथ। अभी नहीं यार, अभी टाइम है। आई थिंक सो। ओके। वेल, अब वरुण नताशा के रिलेशनशिप पर अनऑफिशियली ही सही मुहर तो लग चुकी है। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब अपने सनम को वरुण दुनिया के सामने ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। दिल में हाँ, होठों पर ना। बिपाशा करण, आदित्य श्रद्धा। दिल में हाँ, होठों पर ना। बिपाशा करण। अलोन मूवी के इस गाने में
करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु की ये केमिस्ट्री देखने के बाद किसी को पता नहीं चला कब ये दोनों अलोन से मेड फॉर ईच अदर हो गए। सेवेंथ जून 2014 में जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई और 16th जनवरी 2015 जब शूट का रैप अप हुआ, इस दरमियान इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो गया कि ये दोनों हो गए एक दूसरे के दीवाने। कभी ये साथ वर्कआउट करते नजर आए, कभी इन्होंने दिए एक दूसरे को महंगे गिफ्ट्स। एक दूसरे के साथ की सोशल मीडिया पर प्यार भरी बातें, तो कभी गोवा पांडिचेरी में दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाते, कभी मालदीव्स में कोजी मोमेंट सेलिब्रेट करते, तो कभी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते। सबसे बड़ा इशारा तब मिला जब युवराज सिंह को एंगेजमेंट की विशेस देने के बाद युवराज ने पूछा बिब्स से एंगेजमेंट का सवाल, तो बिब्स का था ये जवाब, वेरी सून मेरा नंबर भी आएगा। इतने इशारों के बावजूद आज तक कभी भी खुद इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं की है ये न्यूज शेयर कि इन दोनों में है प्यार या दे आर डेटिंग ईच अदर। जब भी हमने पूछा तो दिल में हाँ होते हुए भी हमेशा ना ही रहा इनका जवाब। देखिए क्या रहा इनका जवाब। I'll give you another question, चल। अब जहाँ कुछ दिनों पहले ये न्यूज आई कि अब ये दोनों मार्च में सगाई और अप्रैल में शादी कर लेंगे, वहीं हम सब बस यही इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग एक बार सामने आ जाएं और सबके सामने कबूल कर लें ये रिश्ता। दिल में हाँ, होठों पर ना। आदित्य श्रद्धा। ये रोमांस, ये प्यार, ये केमिस्ट्री, ये सब गवाह है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की आशिकी का। रियल लाइफ का ये प्यार रियल लाइफ में कब बदल गया इन दोनों को पता ही नहीं चला। आशिकी के बाद आदित्य और श्रद्धा को कई बार किया गया एक साथ स्पॉट। आदित्य और श्रद्धा की दुनिया सिमट गई थी एक दूसरे में। आशिकी फिल्म के बाद भी दोनों नजर आने लगे थे साथ, और जिस तरह ये दोनों बार बार एक साथ स्पॉट किए जा रहे थे, उससे लगने लगा था कि बॉलीवुड में एक और लव स्टोरी की हो गई है शुरुआत। आदित्य और श्रद्धा भले ही साथ में दिख रहे थे, पर अपने साथ को मोहब्बत का नाम देने से घबरा रहे थे और शायद इसीलिए अपने रिश्ते को जस्ट फ्रेंड्स का टैग दे रहे थे। एक बार नहीं, कई बार जब भी मौका मिला और हमने श्रद्धा से जानना चाहा आदित्य के साथ उनका रिलेशनशिप स्टेटस, तो हर बार उन्होंने टाल ही दिया। आई थिंक सम ऑफ यू हैव कम टू आस्क दीस क्वेश्चंस ओनली। Guys, but, we need to stick to relevant questions, please. I've always said this and I'm saying it again today. He's a good friend of mine and we've been good friends since a very long time and we will continue to be so. ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रद्धा ही अपने रिश्ते को छुपा रही थी। आदित्य से भी जब हमने श्रद्धा के साथ रिलेशनशिप में होने की बात पूछी, तो उन्होंने भी खुद को बता दिया सिंगल। Considered as single, I've always been single only. I've been maintaining for years now. I don't know, people don't take me serious, take my thing seriously only. They don't believe me when I say it. So very much single. Well, भले ही आदित्य और श्रद्धा ने कभी अपने प्यार का ना किया हो इकरार, पर आज Zoom आपको देगा सबूत जो कर देंगे प्रूफ कि भले ही इनके होंठों पर प्यार का नाम ना आए, पर इनके दिल में है एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार। पहला सबूत, श्रद्धा कपूर चोरी छिपे जाती हैं आदित्य रॉय से मिलने। 25 जून रात करीब 12:45 बजे श्रद्धा पहुंची आदित्य से मिलने उनके घर। जूम के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैद हुए इन विजुअल्स ने आदित्य और श्रद्धा के रिलेशनशिप स्टेटस की सच्चाई को कर दिया है बयां।
जैसे ही श्रद्धा को जूम के कैमरे के बारे में पता चला तो श्रद्धा ने हमें चकमा देने के लिए अपने ड्राइवर को कुछ देर बाद ही आदित्य के घर से रवाना कर दिया, ताकि ये समझा जाए कि वो कुछ समय के बाद ही आदित्य कपूर से मिलकर चली गई थी, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल श्रद्धा पूरी रात आदित्य के घर पर ही थी और गाड़ी को पहले भेजने का कारण था पापराजी को चकमा देना। दूसरा सबूत, खबर थी कि जब आदित्य रॉय कपूर फितूर के लिए कश्मीर में शूट कर रहे थे तो श्रद्धा पहुंच गई थी उनसे मिलने। तीसरा सबूत, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म फितूर का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो श्रद्धा ने ट्विटर पर लिख दिया ये इन लव विद द फितूर ट्रेलर, यू गाइस हैव टू चेक इट आउट। इससे पहले कभी किसी और की फिल्म के ट्रेलर के लिए श्रद्धा ने नहीं कहा कभी ऐसे। ऐसे में आदित्य के लिए ये एक्स्ट्रा प्यार आप समझ सकते हैं। चौथा सबूत, आदित्य को जब भी मौका मिलता है वो पहुंच जाते हैं श्रद्धा से मिलने। फितूर प्रमोशंस के दौरान आदित्य मुंबई के एक स्टूडियो में कर रहे थे अपनी फिल्म के लिए मीडिया से बात, और इसी स्टूडियो में श्रद्धा भी अपनी अपकमिंग फिल्म बागी की शूटिंग कर रही थी। और जैसे ही आदित्य को इसका पता चला वो मीडिया इंटरेक्शन से 10 मिनट का वक्त निकाल कर पहुँच गए श्रद्धा से मिलने। Well, आदित्य और श्रद्धा, अब आप हमें बता दीजिए कि अगर ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि कब तक अपने इश्क को दिल में छुपा कर रखेंगे, इसे होंठों पर ले ही आइए।